जिस तरह दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट साहब ने कल सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा विनय तमांग को चैलेंज किया कि आप गोरखालैंड के इशू पे पहले विधानसभा में जाके पारित करवाए, और दूसरी बात यह कि 5 साल का वक्त राजू बिष्ट ने मांगा है पहाड़ के विकास के लिए, ये 5 साल ये क्या सबसे पहले तो गोरखा समुदाय के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, उनको धोखा देने का वो काम कर रहे हैं। इससे पहले भी एसएस अहलवालिया थे, जसवंत सिंह साहब थे, अब ये 5 साल और मांग रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन आने वाला है उसमें शायद राजू बिष्ट ना दिखे, इसलिए वो 5 साल का वक्त मांग रहे हैं वो। और पहाड़ का समस्या या उसका जो समाधान कब होगा, राजू बिष्ट उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। वो हवा हवाई नेता बन चुके हैं, वो दिल्ली से आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुटों से मिल करके वो चले जाते हैं, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? आज ये पहाड़ वासी, पहाड़ पे कई तरह के समुदाय, यहाँ की जनता जानना चाहती है उनसे कि आखिर आपको सांसद जो चुना गया है आप क्या करना चाहते हो। अभी तक दार्जिलिंग में हमें लगता है कि उनके द्वारा कोई भी विकास का कार्य या उनके निधि कोष से कोई भी फंड हमें नहीं लगता कि कोई जो है उनके द्वारा कोई यहाँ पे जो है विकास किया गया है। तो राजू बिष्ट जी को मैं कहना चाहता हूँ और उनको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप केंद्र में हो, पहाड़ की जो समस्या है उसका समाधान आप तुरंत करवा सकते हो। आपके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था गोरखाओं का सपना हमारा सपना है। मैं राजू बिष्ट से मैं जानना चाहता हूँ कि वो उन सपनों का क्या हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा या प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इलेक्शन जीतने के बाद एक बार भी उन्होंने दार्जिलिंग का जिक्र, दार्जिलिंग का डेवलप किस तरह हो, वहां का विकास कैसे किया जाए, उनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान किस तरह किया जाए, आज तक उन्होंने जो है कोशिश नहीं की कि भाई किस तरह जो है उसका निदान जो है किया जाना चाहिए। मैं अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ, आप तो कालिंपोंग भी आए थे और लंबी लंबी बातें हमारे गोरखा समुदाय जनताओं के बीच में आपने कहा था कि गोरखावासी के साथ हम हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप गोरखावासी के साथ हो। जिस तरह आपने खोखला वादा किया, जिस तरह आपने झूठे वादे किया, आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना है, उन सपनाओं का क्या हुआ ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। ना यूटी का समर्थन करती है, ना सिक्स शेड्यूल का समर्थन करती है। हम लोग विकास चाहते हैं, यहाँ की आवाम अच्छे से रहे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्ट पहाड़ को एक बार फिर से अशांत करना चाहते हैं। उनकी ये साजिश चल रही है कि 2017 की तरह फिर से कोई ऐसा मूवमेंट हो, इसको लेकर के वो अपने सहयोगी के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, बैठकें करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं उन जो चक्रव्यूह रचना चाहते हैं, पहाड़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रहते हुए आपके इस मंशे को हम पूरा कभी नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी साहिबा ने हमेशा पहाड़ के विकास, उसको डेवलप के लिए जो है कई बहुत सारी राशि यहां दी है, अच्छा काम भी जो है वो जो है कर रही है। तो अब वो चाहते हैं, भाजपा वाले चाहते हैं कि 2017 को फिर से एक बार रिवाइज किया जाए। हमारे कितने भाई बहन यहाँ शहीद हुए। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्ट से मैं जानना चाहता हूँ कि उन परिवारों के बारे में क्या आपने कभी सुध ली जो 2017 के आंदोलन में शहीद हुए, अपनी किसी भी इश्यू को लेकर के वो आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनका परिवार किस हालात में है, किस स्थिति में है, ये बिमल गुरुंग और राजू बिष्ट से भी हमारा ये क्वेश्चन है कि आज उन परिवारों का क्या हो रहा है, क्या उनको आर्थिक मदद दी गई। जैसे आपने अभी बताया कि आप लोग गोरखा लैंड सिक्स शेड्यूल यूटी को सपोर्ट नहीं करते, इसका मतलब जो ममता बनर्जी करती है उसी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूपीए में, हम लोग कांग्रेस से भी अलायंस में है, और जो टीएमसी है वो हमेशा हम लोगों को सहयोग में रहती है। जो राष्ट्रवादी सोच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा के दिमाग में है उस तरह की सोच हम लोग के पार्टी में, हमारा विचारधारा भी समान है।
हम ममता बनर्जी जी के विचारधारा से सहमत है और उसका समर्थन भी हम लोग करते हैं। जैसे आपने बताया कि 2000 जैसे आपने बताया अभी कि 2017 का रिवाइव करने के लिए राजू बिस्टा या उसका अलायंस पार्टी है, तो 2017 हो या 86 से इधर जितने भी आंदोलन हुआ वो गोरखालैंड के लिए हुआ, इसका मतलब आप गोरखालैंड का सपोर्ट नहीं करते, तो देखिए वो आंदोलन कैसे? देखिए, हर किसी नागरिक का हक होता है कि एक संविधान के तहत हम अपना कोई भी मांग कर सकते हैं, चाहे वो गोरखालैंड का इशू हो या कोई भी जो है डेवलप को लेकर के कोई भी इश्यू हो। लेकिन जिस तरह उग्र आंदोलन हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन का समर्थन नहीं करती है। जिस तरह जीटीए का संविधान जलाया गया उसका भी मैं विरोध करता हूँ। उस टाइम वो क्यों नहीं यूटी और अलग राज्य के लिए उन्होंने जो अगर ऐसा रहता जीटीए खारिज करते उसी टाइम, वो इतने दिन से पद पे क्यों बैठे रहे वो? तो इसका मतलब जो बॉर्डर लाइन को पॉलिटिकल सॉल्यूशन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ भी आप लोग? नहीं नहीं, देखिए उस समय जो सिचुएशन था सेंट्रल ने काम किया, हमने पहले भी आप सबको कहा, यहाँ के आवाम को कहा है कि पहाड़ वासियों को रोटी कपड़ा मकान और विकास की जरूरत है। भाजपा के लोग यूटी अलग राज्य को लेकर के बार बार वो भड़काने का काम करते हैं, पहाड़ को अशांत करने की वो कोशिश करते हैं। मैं राजू बिस्ट को मैं चैलेंज देना चाहता हूं, मैं रोजगार की बात में मैं करता हूं, लेकिन उन गोरखाओं के जो हमारे शहीद 2017 में परिवार हुए थे, क्या उन गोरखाओं को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता, अगर राजू बिस्ट चाहता तो कम से कम कहीं भी सेंट्रल जो है अच्छे किसी पोस्ट पे उस योग्यता के अनुसार जो है उन्हें नौकरी देने का काम करते, तो एक अच्छा मैसेज जाता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उसका स्वागत करती। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे 2017 जो आंदोलन हुआ, 2013 आंदोलन उस समय आप लोग का पार्टी कहाँ? नहीं, मैं 2017 में था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस एक लंबा समय जो 2017 में जो है आंदोलन खींचा गया, भुखमरी की स्थिति पहाड़ पे हो गई थी, मैं उस टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट था एनसीपी का। आप दार्जिलिंग में थे? मैं दार्जिलिंग में था, बिमल गुरुंग से मैं उस टाइम जाके मिला भी था उनके आवास पे जाकर के, और हमने उनसे वादा किया था कि हमसे जो हो सकता है हम आपकी वॉइस, यहाँ की आवाम की जो वॉइस होगी वो पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा के एमपी माजिद मेमन साहब ने रखा था, और पहली बार उन्होंने यहाँ की समस्या को लेकर के गोरखालैंड का शब्द उन्होंने नहीं लिया था। गोरखालैंड जो है इशू होगा, आप भी इतिहास जाओ, आप भी जाकर के देखिए कि हमारे राज्यसभा के सांसद माजिद मेमन साहब ने दार्जिलिंग के डेवलप को लेकर के, यहाँ की समस्याओं को लेकर के, और यहाँ जो भुखमरी की स्थिति हो गई थी, बेबी फूड तक नहीं मिल रहा था, यहाँ पे त्राही त्राही किया जा रहा था, उस टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है एक अच्छे जो है भूमिका में आई। तो अगर यूटी या गोरखालैंड अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का शेष बंगाल से जनाधार समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के जो सांसद थे एसएस अहलूवालिया साहब, वो भी बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस में भी कई बार राज्य मंत्री देश के और अच्छे सांसद वक्ता के रूप में रहे, उन्होंने भी तो जो है ऐसा कुछ नहीं किया। तो हो गया तो आप लोग खिलाफ है, चाहे जो भी पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर पहाड़ को दिया गया सेंटर और स्टेट मिलकर। देखिए पहाड़ का सिर्फ हम विकास चाहते हैं, यहाँ रोजगार होनी चाहिए, अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज का स्थापना होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। गोरखालैंड का मैं समर्थन कभी नहीं करता हूँ। पॉलिटिकल सॉल्यूशन यही होगा, जिस तरह गोरखा लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बाहर जाते हैं, वो अपने काम के लिए तो लोग सोचते हैं कि अरे वो नेपाल से आया है, उनकी आइडेंटिटी को लेकर के जहां तक हम लोगों से होगा, एनसीपी से होगा, हम लोग वार्ता अपना जो हमारा मुद्दा है वो अपने राष्ट्रीय अपने आलाकमान और प्रदेश अध्यक्ष के बीच हम रखेंगे, कोई ना कोई जो है सोल्यूशन होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि गोरखालैंड हो जाने से ही हमारा विकास हो जाएगा, यूटी हो जाने से ही हमारा विकास हो जाएगा। अलग कुछ मिल जाए दार्जिलिंग पहाड़वासी को, गोरखा लोग को, तो वो अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन हो उसमें खिलाफ में आप लोग हैं। जीटीए तो मिला हुआ है ना? नहीं, उससे बढ़ के जो दिया जाए तो उसमें आप खिलाफ हैं। अगर पहाड़वासियों के विकास के लिए कोई ऐसी योजना आता है या कोई समस्या, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि गोरखालैंड आए तभी यहाँ का डेवलपिंग हो सकता है। अगर गोरखालैंड हो गया तो आप लोग खिलाफ है, उसका अगेंस्ट में जाएंगे? अगर गोरखालैंड जब होगा तब होगा, उस टाइम हम लोग देख लेंगे कैसे क्या सिचुएशन क्या होगा, उस अनुसार हम लोग जो है अपनी बातें हम रखेंगे। लेकिन गोरखालैंड नहीं होगा ये मैं जानता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। राजू बिस्ट जो है यहाँ के गोरखावासी के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं।